रूस के ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर बने रहस्य से पर्दा उठाने के प्रति शोधपूर्ण तथ्य पर आधारित पुस्तक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक अनुधर दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने बिलासपुर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए लेखक अनुधर ने कहा कि अगर केंद्र सरकार दस्तावेज उपलब्ध करवाने में सहयोग करें तो वो पूर्व प्रधानमंत्री की मौत से पर्दा उठा सकते हैं। रूस के ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर बने रहस्य से पर्दा उठाने के प्रति शोधपूर्ण तथ्य पर आधारित पुस्तक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक अनुधर दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने बिलासपुर पहुंचे। लेखक अनुधर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार दस्तावेज उपलब्ध करवाने में सहयोग करें तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत से पर्दा उठ सकता है। अनुधर का कहना है कि इस मामले में उन्होंने पोस्टमार्टम के दस्तावेज रूस से जुटाए हैं, जबकि बड़े दुख की बात है कि तत्कालीन भारत सरकार ने इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मृत शव का अपने देश में पोस्टमार्टम करवाना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि यह सरासर पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। दूसरा, मेरे को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे, पहली बात तो अमेरिका ने मारा, ये पूरी कोरी बकवास है, ये कांग्रेस के लोगों ने झूठी अफवाह फैलाने में बहुत मशहूर हैं, ये लोग अजीब अजीब बातें करा करते हैं अमेरिका के बारे में, तो उसमें कोई सबूत नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा ये जो रूस की बात की जा रही है उस पर भी सबूत नज़र नहीं लग रहा, क्योंकि दो ऐसी घटनाएँ घटी कि रूस ने खुद पोस्टमार्टम ऑफर किया था हमारे को और रूस ने खुद इसकी इंक्वायरी की थी, तो अगर उन्होंने गलत काम किया होता तो ये कानून नहीं करते। जो आदमी गलत काम करता है वो छुपाता है, उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करता, तो ये बात ही नगर ने। तीसरा जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ भारत के, हमारे देश के लोगों ने कुछ गड़बड़ करी है, तो उसमें मोटी मोटी बात है कि इस केस को दबाया गया, वो अपने आप में सबूत है कि कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। दूसरा है कि भारत सरकार इस बारे से जुड़े जो कागज़ हैं वो छिपा के बैठी हुई है, जब सूचना के अधिकार में उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसका झूठा मूठा जवाब उनको दे दिया, तो इसको देख के जो शक की सुई है मेरे को लगता है कि वो भारत में ही कोई षड्यंत्र हुआ है उस पर आ रही है। अब लेकिन वो किसने किया, क्यों किया, लोगों ने इंदिरा गांधी का नाम भी लिया, लेकिन जब तक ये सारे कागज़ पत्र बाहर नहीं आ जाएगा कोई आदमी कुछ बोल सकता नहीं है। तो मैंने यही एक अपना किताब में सारा थ्योरी देकर के मैंने आपने सामने रखा कि जितना डॉक्यूमेंट हमारे पास है इस देश में हम उसको पहले बाहर निकालें। इस अवसर पर बिलासपुर सदर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक सुभाष ठाकुर और कई सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।